नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24 और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। किसान बिल के खिलाफ जहां एक तरफ किसान सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड से परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं जिले के किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। धान खरीद के लिए खोले गए क्रय केंद्र महज दिखावा बन गए हैं। यहां कागजों में धान खरीदी दिखाकर खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि क्रय केंद्र पर आने वाले किसान को कभी मानक के नाम पर, कभी मिलर्स के नाम पर बैरंग लौटाया जा रहा है। ऐसे हालात में अन्नदाता कहा जाने वाला किसान अपनी मेहनत की फसल को आढ़तियों के हाथ औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो रहा है। धानीपुर कस्बे में लगाए गए साधन सहकारी समिति के धान क्रय केंद्र पर लापरवाही चरम पर है, पर धान क्रय कभी समय से नहीं खुलता। धान बेचने के लिए पहुंचे किसान हरिशंकर राय ने बताया कि वो पहले एक महीने से धान बेचने के लिए इस केंद्र पर आ रहे हैं, लेकिन उनका धान नहीं खरीदा जा रहा। पूछने पर कहा जाता है कि गोदाम भर चुका है, मिलर्स धान की उठान नहीं कर रही है, उठान होगी तो धान की खरीद की जाएगी। तो वहीं क्रय केंद्र पर मौजूद भाजपा के मंडल अध्यक्ष और किसान संजय सिंह का कहना है कि किसानों की धान खरीद के लिए सरकार क्रय केंद्र चला रही है, लेकिन किसानों का धान नहीं बिक रहा। कई बार डीएम एडीएम से इसकी शिकायतें भी की गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजा जाएगा। मेरा नाम हरशंकर राय है सर। मैं लगभग एक महीने से दौड़ रहा हूँ धान बेचने के लिए, और यहाँ पर हो रहा है कि अभी गोदाम नहीं खाली है, गोदाम फुल है, और जब धान खाली होगा तब जो है धान खरीदा जाएगा। कहीं शिकायत किया है इसकी? इसकी शिकायत कहीं नहीं की है। 15 तारीख तक बता रहे हैं गोदाम खाली होगा, 15 तक और टाइम देख रहे हैं, उसके बाद तो करना पड़ेगा शिकायत। मेरा नाम संजय सिंह है। सरकार द्वारा धान क्रय केंद्र चलाया जा रहा है, आए दिन किसानों की समस्याएं यही रहती हैं कि जो है गोदाम पे जब हम जाते हैं तो वहाँ धान खरीदने के लिए जब बात कही जाती है तो ये होता है कि वहाँ गोदाम फुल है, अभी गोदाम धान नहीं ले पाएंगे। इस बात को लेके कई बार हम लोग डीएम से मिले, एडीएम से भी मिले, बात को रखा गया, एप्लीकेशन वगैरह दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है।